10 मिनट की कोशिश के बाद अभी तक हमसे हाफ भी ख़त्म नहीं है। कोशिश है पर मुश्किल है ख़त्म हो। लेकिन सॉरी ये सुसाइड है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज सिनस बशीर। आज के व्लॉग में हमारे साथ वही रसी इलियास और इलियास और हारिस हमारे साथ मौजूद हैं और फूड व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से बिगेस्ट पिज़्ज़ा, पाकिस्तान का बिगेस्ट। हाँ अच्छा, तो आज हम अपने साथ स्पेशली इलियास किसी के लिए लेकर आए ताकि हम ये पिज़्ज़ा को ख़त्म कर सकें। ये हमसे तो ख़त्म होने वाला है और इलियास का जो वेट लॉस है उसको हम काउंटर भी करें। इलियास वैसे हमारे पास हमारे भाई डाइट भी चल रहे थे तो आज डाइट से ऑफ कर दिया डाइट आज डाइट ऑफ कर दी और इसका जो है आई गेस हाफ होटल को इलियास खत्म कर लेंगे और बाकी हाफ को हम तीन देख लेंगे। इसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं वो जरा हम आपको दिखा देते हैं। दो फ्लेवर्स में ये इसमें आप कौन से फ्लेवर है? ये रैंच है और ये मलाई। अच्छा ये सर मलाई है और ये रैंच फ्लेवर रॉकेट रैंच और माइटी मलाई। ये तकरीबन 36 इंच पिज़्ज़ा है। 30 इंच दैट कम्स अबाउट टू 2.5 feet। ये हम चार लोगों के सर्विंग ये है 10 लोगों की सर्विंग और अब हम करने जा रहे हैं चार लोगों का के साथ जाती 10% की सर्विंग है तो 5% की तो इलियास खत्म कर लेंगे। यार इसको तो खाने के लिए भी चार हाथ चाहिए। कोई प्लेटें बड़ी रखनी चाहिए वैसे। ये तो प्लेट से भी बाहर जा रहा है ये आपका सारे खाने रोल। फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, मतलब सिर्फ साइज नहीं है फ्लेवर भी है। सर आपने अभी टेस्ट किया, बहुत मजे का टेस्ट है, अच्छा टेस्ट, क्लीन टेस्ट है। अब जरा मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ जरा। इसके आउटपुट कोई गाइड नहीं है, इसको कहाँ से काटना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके लिए पूरी एक मैनुअल बुक लिखनी चाहिए। ये सब के लिए गाइड प्रिंट करेंगे हम, इसको हाफ कर देंगे। दस मिनट की कोशिश के बाद अभी तक हमसे हाफ भी ख़त्म नहीं है। इलियास भाई आप कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने की? कोशिश है पर मुश्किल है ख़त्म होना। मुझे लगता है आप कर लेंगे। कोशिश है लेकिन नियत नहीं है। अच्छा इस पिज़्ज़ा के ऊपर जो है चिकन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। टॉपिंग अच्छी है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? टॉपिंग बहुत अच्छी है इसकी और टेस्टी भी, अच्छा मज़े का टेस्ट बहुत अच्छा है और इसका जो क्रस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की, उम्मीद तो है ख़त्म कर लेंगे। ज़रा देखते हैं इसके, मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए और अब ये मैं दूसरा फ्लेवर भी ट्राई करने जा रहा हूँ और अभी तक तो मैंने एक स्लाइस ही ख़त्म किया है और ज़रा इसको टेस्ट करके देखें। अच्छा इस पिज़्ज़े को खाने के लिए आप जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश करेंगे और स्पून से खाने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको ख़त्म कर पाएंगे, पूरा दिन ही लग जाएगा। तो लेट्स फॉरगेट द फॉक्स एंड स्पून्स। ये भी अच्छा है बट आई गेस दिस प्रीवियस वन वाज मच बेटर देन दिस। पहले वाला आई गेस है ना, रॉकेट रैंच। हाँ रॉकेट वाला जो है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी अच्छा है बट पहले वाला ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी है, इसमें स्पाइसेस भी कम है थोड़े से तो ये थोड़ा सा माइल्ड है थोड़ा सा स्पाइसेस के मामले में। दो स्लाइसेस में पेट भर गया, मौत का फैसला तो नहीं था वो भी अभी ये स्टफ छोड़ दिए उसके बावजूद आपको मौत का फैसला तो नजर नहीं आ रहा ऐसे ही है। बेहतरीन पिज्जा है, ऑसम
बस बड़ा बहुत है बड़ा बहुत इसके लिए ज़्यादा लोग होने चाहिए इस चक्कर आ रहे हैं अभी मैं लड़ रहे हैं अपनी आखिरी आखिरी सांसों में और पिज़्ज़ा भी हाफ बचा हुआ है और सब हिम्मत हार चुके हैं मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूँ और आखिरी स्लाइस मेरे पास है मतलब मेरा आखिरी स्लाइस पिज़्ज़े का नहीं लेट्स सी क्या होता है हारिस भाई आपको तो कोशिश करनी चाहिए थी हिम्मत करनी चाहिए थी आपसे बड़ी उम्मीदें थी हमें मुझे थैंक यू आपने मुझसे उम्मीद बांधी लेकिन बात यह है भाई कि मैं अपने आप को बीमार नहीं करूँगा खाना बहुत मज़े का था बहुत अच्छा लगा द बिग पिज़्ज़ा वालों का बहुत थैंक यू उन्होंने इतना अच्छा खाना हमें खिलाया लेकिन सॉरी ये सुसाइड है कोई बात नहीं पिज़्ज़ा अभी भी हाफ पड़ा हुआ है और हमारे सारे जवान हिम्मत हार चुके हैं अब बस इसको पार्सल ही कराना पड़ेगा जवानों ने हिम्मत बांधी भी नहीं थी खत्म कर ली यार ये पार्सल करते हैं तो अब ये वापस पार्सल करके ही लेके जाना पड़ेगा ये खाने से तो रहा